हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंथा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस टाइम हम लोग का सीरीज चला रहे थे एसएससी सीजीएल 2022 का, वो भी ग्रामर सेक्शन का। और ग्रामर सेक्शन में बात करें तो वॉयस नामक टॉपिक का हम लोग चला रहे हैं। और वॉयस में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लगभग कर लिया सारे टेंस को कम्प्लीट। और अगर डे वाइज वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने किया है डे 9 तक। और डे 9 में हमने किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एसओएस बनाना और हमने उसको आसान भाषा में सीख लिया है। अब उसमें हुआ क्या कि सभी टेंस जब हम लोग सीख रहे थे तो ओनली हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से एसओएस बनाना सीखा है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि हमारा नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारे सामने आता है तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जबकि ये नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सभी टेंस में आता है, बट बनाने की प्रोसेस उसके सेम है, एक ही जैसे है। बस आपको एक जगह फोकस कर लेना है, बाकी तो आप सब में कर लेंगे। रीजन क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी जो नॉट मतलब नेगेटिव का प्रोसेस होता है वही रहेगा और जो इंटरोगेटिव का प्रोसेस होता है वो भी वही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस होगा आपके हेल्पिंग वर्ब का, तो स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, हेल्पिंग वर्ब बदलने वाला है। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से ये बता देना चाहूंगा कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ हम इंटरव नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आप इन दोनों को चाहते हैं अच्छे ढंग से सीखना तो बने रहिए वीडियो में, उम्मीद है कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो उस बेहतर रिजल्ट के लिए आप बेहतर तरीके से वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिना देर किए हुए नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आइए मेरे साथ। जी हाँ, अब हम यहां लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और बात ही कर देते हैं, मतलब बात यहां पे हो जाएगी सेंटेंस। जी हाँ, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस लिया जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए मैं लेता हूं यहाँ पे सिंपल सिंपल, यहाँ पे जैसे मतलब एक ही जो यहाँ पे हो गया। चलिए, तो ये रहा आपके एग्जांपल का पहला पॉइंट है, जहां पे अगर मैं ये कहता हूं सी डज नॉट लाइक यू। बहुत ही बढ़िया, आपने सुना कि she does not like you, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। बिल्कुल, not आया तो negative हुआ और ये subject हमारा पहले है, ये verb है और ये object। तो भैया जब subject और verb object हमारे एक order में मिल जाते हैं तो उन्हीं को तो हम कहा करते हैं active voice करते हैं। अब इस तरीके से ये हमारा जस्टिफाई हुआ कि ये हमारे लिए क्या रहा, हमारे लिए ये रहा है एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस रहा? एक्टिव वॉइस रहा। तो अब हम चलिए बात करते हैं और भी कुछ खास करते हैं, बात क्या करते हैं, पैसिव वॉइस लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले जाते हैं, लेकिन मैं उससे पहले भी एक बात आपको यहाँ कन्फर्म कर दूं और क्लियर कर दूं, नेगेटिव और नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के दौरान आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस जिस तरह से प्रोसेस को रखता है सेम वही प्रोसेस पैसिव वॉइस रखता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट है तो वही प्रक्रिया दोहरा दी जाती है पैसिव वॉइस के दौरान, क्योंकि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो भी आपका हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा। तो इसको कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस हमेशा कहा करता है पैसिव वॉइस से, सॉरी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से कहता है हे भाई सुन, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। तो लगभग सारी प्रक्रियाएं तो सेम होती है लेकिन दोनों की पहचान थोड़ी अलग है। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, यू को। ठीक, तो हमने लिया यू और यू के साथ अगर देखे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब हमको मिल जाती है क्या, आर। ठीक, तो ये हुआ यू आर। अब मैं यहाँ जो बात कह रहा था कि भाई सुन जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा ये वाली, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बगल में ये सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट की जगह नॉट कर देंगे, फिर क्या होगा वर्ब की जगह वर्ब कर देंगे, तो वर्ब चूंकि इसमें थर्ड फॉर्म में चाहिए होता तो लाइक हो जाएगा।
अब ये पता है कि प्रीपोजिशन यहाँ लगता है सो बाई हो जाएगा, अब सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। अब ये बन के आपका तैयार हो जाता है पैसिव। जी बिल्कुल आपने सही देखा, यू आर नॉट लाइक्ड बाई हर, ये बिल्कुल स्पष्टली बोला गया कि यू आर नॉट लाइक्ड बाई हर, आप उसके द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। ठीक, क्या बोला गया कि आप उसके द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का हो गया ऐसे ऐसे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कहें ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखिए, ये भी हमारे पास लगभग एक नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो नॉट तो मिला ही, और इसका भी हमें क्या बनाना है पैसिव। ठीक है, अब आप यहां पे जरा एक चीज ध्यान देना कि ये क्या है, ये आपका बन चुका है एक्टिव अंश, है ना, लेना है आपको इसको पैसिव अंश। सीधे सीधे देखो मेरे पास ये आएगा क्रिकेट, एच नॉट। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यहां जोड़नी पड़ेगी बीइंग, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग, और थर्ड फॉर्म ले लीजिए अपना इसके साथ जो होता है प्लेड, और फिर लीजिए बाई, और बाई के बाद हम ले सकते हैं अपना जो आता है सब्जेक्ट को इधर करते हैं, तो ये भी एयर बन गया आपका एक और पैसिव वाइज। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई हिम बना है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये लेते हैं। ठीक है, सोनी हैज बॉट अ कार। बिल्कुल आपने सही सुना कि सोनी हैज बॉट अ कार है, है ना। तो यहां पे देखा गया है कि ये जो हैज के बाद थर्ड फॉर्म का आना, ये मेरे सॉरी एक मिनट क्योंकि नेगेटिव बनाना नहीं, तो ऐसे कर लो, सोनी हैज नॉट बट अ कॉल कर लिया। अब यहां पे ये पता चला कि ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया, ये हो गया एक्टिव। ठीक, अब बनाना हमें क्या था इसमें, अनडाउटली हमें बनाना क्या है इसको नेगेटिव मतलब पैसिव वॉइस बनाना है, तो फिर विचार किस बात के करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पे कार, अब फिर क्या है, अब कार के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसी का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो ये हो जाएगा हैज, और इसके बाद क्या कर देंगे नॉट, और फिर इसके बाद पता चलता है कि बीन बजाना है, अब कार हैज नॉट बीन, अब करेंगे यहां पे थर्ड फॉर्म का है ये, तो बट हो जाएगा, फिर क्या बाई, और सोनी का सोनी लिख देंगे, मोनी नहीं लिखेंगे कभी जिंदगी में। ठीक है, ये रहेगा आपको ऐसी। जी हाँ, तो अ कार हैज नॉट बीन बॉट बाय सोनी, अ कार हैज नॉट बीन बॉट बाय सोनी, बिल्कुल आपने सही सुना है मेरे श्रीकार, तो इसको याद रखेंगे बरकरार क्योंकि सुना है बढ़िया से। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखिए आप ही के लिए है, तो यहां मैं कहना चाहूंगा दे डेट नॉट, दे डिड नॉट देखिए कि दे डिड नॉट रीड इंग्लिश, कि वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े, भैया काहे नहीं पढ़े, नहीं पढ़े उनकी मर्जी, बट हमें पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और देखो नॉट है ना तो नेगेटिव है, बस इतना ही तो पकड़ना है कि भैया अगर सेंटेंस में नॉट आया नहीं तो वो कहे ना कहे नेगेटिव चीजों को जोड़ता है। अब हमें बनाना है उसका पैसिव वॉइस,
तो देर किसकी है और इंतजार किसका है, करते हैं तैयारी और बनाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश वॉच नॉट और ये आपका थर्ड वन, ठीक। तो इंग्लिश वॉच नॉट, फिर ये रहेगा रेड और फिर ये रहेगा यहाँ पे बाई और देगा ये कर देना आराम से कर देना आप यहाँ पे देन। जी हाँ, इंग्लिश वॉज नॉट रेड बाई देम। अब अगर इसमें बात करें तो ये है आपका, ये बन जाएगा आपका पैसिव। जी बिल्कुल सही बनाया आपने, क्या बनाया है, इंग्लिश वॉज नॉट रेड बाई देम। तो ये लगभग चार सेंटेंस आपने बढ़िया से बना लिया है, तो और भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो लगभग इसमें हमने चार टेंस को कवर कर दिया, ठीक है, चार टेंस का है, सारे हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे चार टेंस की बात में इधर कर लूं ताकि आपको हर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने आपको आ जाए। तो चलिए करते हैं बात, करते हैं आगे। तो आगे जब चलते हैं तो आगे ले लेते हैं एक सेंटेंस और भी हम, कौन सा, नंबर फाइव। अगर नंबर फाइव में मैं बात करूं तो मुझे लेना पड़ेगा ऐसे, जैसे कि सी वॉज नॉट सिंगिंग, ठीक, सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल आपने सही सुना और ये एक आपका एक्टिविटीज कि सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग की एक सेंटेंस जो नेगेटिव से जुड़ा हो, किससे जुड़ा, नेगेटिव। बनाना है इसको हमें पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाएंगे क्या, हम लाएंगे यहाँ पे आसान आसान, फिर अपना रहेगा यहाँ पे वॉच, फिर रहेगा आपका नॉट, क्या रहेगा, नॉट रहेगा, और फिर इसके बाद आएगा एक वर्ड आपका बीइंग होता है कि आसान वॉज नॉट बीइंग, और फिर इसके बाद दे लेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म जिसे हम कहेंगे संग, क्या कहेंगे, संग। तो अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग, अब इसके बाद जो लिया जाएगा वो वर्ड रहेगा बाई, और बाई के बाद आप दे देंगे अपना हर। जी ये भी आपका बन के तैयार हुआ पैसिव वॉइस बिल्कुल कम्प्लीट कि अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाई हर की बात करेंगे, आप करेंगे नहीं कुछ और भी एग्जांपल की बात करेंगे जो आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट। तो आइए लेते हैं नंबर सिक्स पे, और नंबर सिक्स पे हमारा आने वाला जो एग्जांपल है वो रहेगा आपके लिए इस प्रकार, जैसे कह सकते हैं वी हैड नॉट, वी हैड नॉट सॉल्व, ऐसे दे देते हैं We had not solved We had not ऐसे थोड़ा स्टोरी बदलते हैं We had not sold car। कह रहा है कि वी हैड नॉट सोल्ड कार, हम कार नहीं बेचे थे, ये नेगेटिव से जुड़ा है इधर। तो सीधी सीधी बात है कि ये तो हमारा हो गया एक्टिवाइज हुआ, जब ये एक्टिवाइज हुआ तो हमें नीड है कि पैसिवाइज हमको चाहिए, तो चलो हम देर किस बात की करते हैं, बनाते हैं नेगेटिव क्योंकि प्रोसेस है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका ये ऑब्जेक्ट जो बनता है कार, और कार के बाद यहाँ पे है आएगा हैड नामक सरकार। अब इसके बाद आप लोगे क्या, नेगेटिव नॉट, और फिर बजाओगे अपना बीन और बाजा। तो कार हैड नॉट बीन हुआ, और बीन के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ब आएगी सोल्ड, और सोल्ड के बाद बात करें तो बाई, और बाई के बाद अगर दिया जाए तो ये अपना आएगा अस, और ये बताएगा भाई पैसिव वॉइस के लिए कर दो यहाँ पे बस, ठीक है। तो कार हैड नॉट बीन सोल्ड बाई अस हो गया, लगभग ये भी आपका कंप्लीट हो गया एक और भी टेंस। तो अब लेते हैं हम अगले नंबर सेंटेंस की बात करते हैं जिसे करेंगे सेवन पे, तो सेवन के साथ आगे बढ़ जाते हैं और बातें कुछ और भी कर लेते हैं।
चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कहें कि सी विल नॉट हेल्प, सी विल नॉट हेल्प देम, बिल्कुल ठीक बोला है। नाराजगी किसी बात से होगी जरूर, ठीक है। अब नाराजगी हो या ना हो, लेकिन हमारे सामने नॉट आया है तो निगेटिव तो है। नाराजगी हो या ना हो, लेकिन अगर हमारे सामने सेंटेंस में आया है तो ये निगेटिव तो है। और सब्जेक्ट के बगल में नहीं, विल के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो ये भी कन्फर्म है कि ये तो एक्टिवाइज है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये भी क्या है कि एक्टिवाइज है। तो चलते हैं, करते हैं इसका पैसिवाइज का जुगाड़ और बना डालते हैं इसका पैसिवाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लेने वाले हैं हम दिम को, किसको लेने वाले हैं, दिम। अब जब दिम पहले आएगा तो ये बनेगा किस रूप में, ये बनेगा आपका दे। अब यहाँ पे लेने वाले हैं आप क्या, दे के बाद आएगा आपका विल, और विल के बाद आ जाएगा आपका नॉट, और जिसके बाद बनाएंगे बी। तो दे विल नॉट बी, अगर मैं बात करूं वर्ब की तो वर्ब लगेगी आपकी किस फॉर्म में, वर्ब लग जाएगी आपके थर्ड फॉर्म में, हेल्प फिर क्या रहेगा बाई, और सी को लाओगे जब इधर तो बनाओगे इसे इस तरीके से, यानी बोलोगे हेल्प, और ये बन के आपका तैयार होता है पैसिव वॉइस। जी बिल्कुल आपने सही सुना कि दे विल नॉट बी हेल्प्ड, क्या बोला है कि दे विल नॉट बी हेल्प्ड बाई हर, तो ये भी आपका एक निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है तैयार। तो चलिए बनाते हैं एक और, लेते हैं सेंटेंस हम नेक्स्ट वाला। तो ये रहेगा नंबर 8 पे, किस पे रहेगा नंबर 8 पे, आप देखिए यहां लिया जाता है एक और जिसे करना है हमें। जैसे हमने कह दिया दे विल नॉट हैव डिस्टर्ब्ड, हाँ ठीक है, डिस्टर्ब्ड अस, बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि दे विल नॉट हैव डिस्टर्ब्ड अस, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये भी नॉट रखता है तो ये भी नेगेटिव है, और सब सब मैं बात करूं तो विल हैव है तो ये विल हैव है तो ये क्या माना जाएगा आपका, अगर ये विल हैव रखता है तो ये माना जाएगा आपका क्या, मतलब फ्यूचर परफेक्ट माना जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट माना जाएगा तो ठीक है। आगे बढ़िए, तब बढ़ते पैसिवाइज बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे क्या, वी, क्या लेंगे वी। अब इसके बाद आएगा आपका विल, सॉरी सेल लेंगे, चूंकि ये भी हमारा फ्यूचर गया है तो सेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा वी सेल। अब सेल है तो इसके बगल में लेंगे नॉट, और फिर बजाएंगे है विल, क्या रखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे प्रोसेस में लेते हैं और अच्छे ढंग से करना इस बात का। देखिए तो हमने लिया यहाँ पे वी, और वी के बाद हमने ले लिया है अपना सेल, और सेल के बाद हमने जोड़ा है नॉट, और नॉट के बाद हमने लगाया है, और है के बाद बोला है बीन। तो वी सेल नॉट है बीन, और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो यहां ले लिया जाएगा हम लोग डिस्टर्ब, क्या लिया जाएगा अपना डिस्टर्ब। वी सेल नॉट हैव बीन डिस्टर्ब, और फिर हो जाएगा बाई, और बाई के बाद अपना आ जाएगा क्या दिम, बाई के बाद रहेगा क्या यहाँ अपना रहेगा दिम। अब ये चूंकि ये रहेगा आपका पैसिव वॉइस, क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हुआ आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। सॉरी We shall not have been disturbed by them. We shall not have been disturbed by them. तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे negative sentence होता है पूरा। और मैं बात करूँ आज का session जो day 9 था, ये negative sentence के नाम था। तो हमारा negative sentence बनाने का जो एक काम था ये लगभग होता है पूरा। तो हम आज के session को यही रोकते हैं। डे 9 को निगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट पैसिव वॉइस बनाने का जो प्रोसेस था,
आपने देखा कि सर मतलब सभी टेंस का इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाया और सभी के सभी नेगेटिव सेंटेंस थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल हो जाएगा आसान, खास करके नेगेटिव सेंटेंस का। तो आज और इस सेशन को यही रोकते हैं, यानी डे 9 को यही रोकते हैं और हम मिलते हैं फिर अगले वाले अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो करेंगे उसकी भी कुछ अच्छी सी बात, तब तक के लिए करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।